Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए एक नए डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हमने 17 फंदे लिए हैं। ये देखिए किनारे से हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने चाहिए। ये देखिए डिजाइन के पहले हमने 2 सिलाई उल्टे सीधे बुन ली है और सीधे साइड में आ गए हैं। हमारी फर्स्ट रो है, ये 4 फंदे सीधे हो गए। हम 5वें फंदे पे एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदा बन गया। उसके बाद हम 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 7 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हो गए। फिर 8वें फंदे पे हम एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे। देखिए बना लिया। फिर 4 फंदे हमारे सीधे बचे हैं, उसको भी बुन लेंगे सीधा। एक रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। सिर्फ जो हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे उसमें से बीच वाला फंदा बुना जाएगा और किनारे के दोनों फंदे उतार दिए जाएंगे। देखिए 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। जो 4 फंदे सीधे थे, एक फंदे का जो 3 फंदा बनाया था उसमें का पहला फंदा उतार लेंगे, नहीं बुनेंगे। फिर सेकेंड वाला बुन लेंगे, थर्ड वाला उतार लेंगे, फिर बीच में 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हो गए। ये देखिए 3 फंदे का पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुन लेंगे, तीसरा फिर उतार लेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे किनारे वाले। फिर हम थर्ड रो में आ जाएंगे। ये देखिए थर्ड रो में आ गए। किनारे के सीधे वाले 4 फंदे सीधा बुन लेंगे। ये हो गए 4 फंदे। अब हम इन तीनों फंदों को, जो एक फंदे के 3 फंदे बने हैं, इन तीनों को हम बीच वाले 3 फंदों से ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए बीच वाले फंदों को पीछे से ले जाएंगे और ये तीनों फंदों को हम आगे से ले जाएंगे। देखिए आगे ले जाके फिर सारे फंदों को, इन तीनों फंदों को सिंगल सिंगल सीधा बुनेंगे। देखिए और इन 3 फंदों को एक साथ एक फंदा बना लेंगे। एक फंदे के 3 हमने बनाए थे, अब 3 के एक बना लेंगे। ये देखिए बना लिया। फिर एक सिंपल फंदा बुन लेंगे बीच वाला। फिर उसके बाद पीछे के 3 को आगे लाएंगे और बीच के 3 को पीछे ले जाएंगे, ट्विस्ट कर देंगे। फिर इन 3 फंदों को एक फंदा बना लेंगे। और फिर हम 3 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर किनारे के 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हमारी थर्ड रो थी। अब हम फोर्थ रो में आ जाएंगे। ये हमारी फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है। इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए हमारे डिजाइन वाले जो 3 फंदे हैं, ये देखिए
बीच वाला फंदा और किनारे के दोनों एक एक फंदे मिलाकर तीन फंदे। इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। तीन फंदों को बुनकर फिर तीन फंदा बना लेंगे। थोड़ा लंबा फंदा बनाएंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से बना रहे हैं चौथे रो में तीन फंदे का तीन फंदा। उसके बाद बाकी बचे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ रो में आ जाएंगे राइट साइड में। इसमें क्या करना है देखिए, चार फंदे सीधे बुन लेंगे किनारे वाले, इनमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए फिर हम वो जो तीन फंदे बनाए थे हमने, इसमें से पहले फंदे के फिर तीन फंदे बनाएंगे। ये देखिए तीन फंदे बन गए, फिर बीच वाले फंदे को बुन लेंगे। फिर हम तीन फंदे बना लेंगे। बाकी फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर हम सिक्स रो में आ जाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, सिक्स रो है। ये देखिए सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, जैसे हमने सेकेंड रो में बुनाई की थी कि डिजाइन के बीच वाले फंदे को। देखिए सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। जो हमने एक के तीन बनाए हैं उसके किनारे के दोनों उतार लिए जाएंगे और बीच वाले फंदे को बुन लेंगे। देखिए हाँ, बीच वाले फंदे को बुन लेंगे, फिर किनारे वाले फंदे को उतार देंगे, बीच वाले फंदे को बुन लेंगे, फिर डिजाइन का पहला फंदा उतार लेंगे, बीच वाला बुन लेंगे। ये बीच वाला है, इसको बुन लेंगे। देखिए हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड में आएंगे। राइट साइड में हम ये देखिए चार फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे फंदों को ट्विस्ट करेंगे। देखिए पीछे के तीनों फंदों को आगे लाएंगे, फ्लोरल वाले डिजाइन वाले, और आगे से तीन फंदे बीच में ले जाएंगे। फिर तीनों फंदों को एक साथ एक फंदा बना लेंगे। इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए ट्विस्ट कर लिया हमने फंदों को। बाकी सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे। देखिए डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे, तो डिजाइन और सही दिखेगी।
ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोरल डिज़ाइन बना है। आप इसको किसी भी पैटर्न पे ट्राई करिएगा, देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखिए पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।